साथी, ये है देसी गोवंश और ये देसी गोवंश भी हमारे देश में किसी से कम नहीं है। देसी गोवंश का उचित संरक्षण और संवर्धन किया जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो किसी भी और अन्य ब्रीड से कम नहीं है। साथियों देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर देसी गोवंश की हम सही ढंग से केयर करें और उनका संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें, तो वो किसी से कम नहीं है। देखिए कैसे कतारबद्ध तरीके से गाय माताएं एक दूसरे से के पीछे, देखो आप कैसे जा रही है। जय गौ माता। साथियों देखो किस तरह से पंक्तिबद्ध तरीके से गाय माता आती हुई, देखिए कितने शानदार तरीके से आ रही है। उधर सूरज अपने उस पे है, चढ़ान पर सूरज ऊपर चढ़ रहा है, धूप खिल रही है, सर्दी अंतिम चरण में है, मध्य फरवरी चल रही है। देखिए और देसी गोवंश किस तरह से जंगल में अब सुबह सुबह चरने के लिए जाता हुआ, ये देखिए साथियों। उनके गले में जो घंटी बज रही है वो कितनी मधुर लग रही है, देखो। मन को मंत्रमुग्ध करने वाली, मोहित करने वाली देसी किस तरह से उनके गले में जो घंटी बज रही है वो देखो आप, ये देखिए घंटी कितनी प्यारी प्यारी गौ माताएं। साथियों हमारे देश में एक जमाना था जब गाय माताओं को पूजा जाता था, बहुत अच्छा रखा जाता था, पूजा आदि भी जाता है, लेकिन अब उनकी कदर नहीं होती है, उनको अच्छा नहीं रखा जाता है, उनका संरक्षण नहीं है ढंग से। मेरा मानना है कि अगर देसी गौ माताओं को उचित संरक्षण प्रदान किया जाए तो हमारे देश में फिर से दूध की नदियां बहने लगेंगी, क्योंकि देसी गोवंश किसी भी दूसरी ब्रीड से कम नहीं है दूध के मामले में, लेकिन उचित संरक्षण की ज़रूरत है साथियों, संवर्धन की ज़रूरत है। वो देखिए एक नंदी उधर हुंकार मारता हुआ, देखिए यहाँ पर ये कटे हुए पेड़ है, इसकी डालियाँ पड़ी हुई है जो गौ माताएँ खा रही है। देखो गौ माताओं की सबसे बड़ी खासियत कितनी शांति से और मिलजुल के रहती है, देखो आप किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं, देखिए कितने मिलजुल के रहती है। प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है साथियों गौ माताओं का संरक्षण करे, गौ माताओं का संवर्धन करे और हो सके तो एक एक गौ माता को पाले, उनकी उचित देख रेख करे। अगर ये भी नहीं हो पाए तो इनके संवर्धन में सहयोग प्रदान करे, इनके संरक्षण में सहयोग प्रदान करे। देखिए किस तरह से चरती हुई गाय माता, देखिए अब कितनी सुंदर गौ माताएं हैं। साथियों जिस भारतवासी के दिल में गायों के लिए जगह नहीं है, मैं मानता हूँ वो एक भारतीय नहीं है, क्योंकि हमारा देश गायों का देश है साथियों, हमारा देश किसानों का देश है साथियों, और किसान होने के नाते मैं मानता हूँ कि हमारा कर्तव्य बनता है,
हमारा फर्ज बनता है कि हम गायों का उचित संरक्षण और संवर्धन करें। अगर हमारी गौ माताओं का संरक्षण ढंग से किया जाए और संवर्धन किया जाए तो हमारे देश में फिर से दूध की गंगा बहने लगेगी। साथियों, दूध की नदियाँ बहने लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा हर एक भारतवासी से यही आग्रह है कि वो गौ माताओं का संरक्षण करे, गौ माताओं का संवर्धन करे, गौ माताओं के संरक्षण में अपने योगदान प्रदान करे। जय गौ माता, जय भारत माता।